गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सो हाउ आर यू ऑल? Pallavi, after a very long time, Lord is always peaceful. Okay, your colleges are regular. From which city you are? नमस्ते राधा जी। जलंधर, जलंधर में कौन सा कॉलेज रेगुलर है बच्चे? इस टाइम तो मुझे लगता नहीं कि कॉलेज चल रहा है जलंधर में। सिटी, सिटी इज रेगुलर इन कोरोना टू वीक में 4 डेज। ओके जाते हैं। शाहपुर वाला एयर से रेगुलर हो जाएंगे। सब कुछ अब ओपन हो रहा है। सोफिया कह तो रहे थे 5th को हो जाना, पता नहीं क्या होता। पजल्स का जो कल रह गया था बच्चे वो करेंगे ना। आई डोंट नो बच्चे पल्लवी, क्या कौन कह रहा है कौन क्या नहीं। एक्चुअली हमारी किसी से बात नहीं होती ऐसे। बच्चे मेरा इस टाइम पे थोड़ा मुश्किल है इसलिए क्योंकि मेरा बेटा अभी स्कूल नहीं जाता, तो उसकी मॉर्निंग में क्लासेस चलती हैं, उसकी मॉर्निंग में क्लासेस चलती हैं। फिर मेरी एक छोटी बेटी है तो दोनों को ऑन द स्पॉट छोड़ के आना थोड़ा टफ है। गुड इवनिंग शिवम। शिवम तेरे कल वाले क्वेश्चन के का हुआ क्लियर या नहीं? आई वॉज वेटिंग शिवम एंड शन्ना के डाउट्स एक साथ ही आए हैं। बच्चे आज तो वो ना मैं 4 o'clock आ गई थी पूरे, लेकिन थोड़ी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम चल रही थी। क्यों क्या हुआ? शिवम कोई प्रॉब्लम है इस टाइम क्लास में? देखो मेरी इतनी वेट थी कि तो थक गए। चलो पढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। बच्चे कल वाला क्वेश्चन कैसा गया, हो गया या नहीं? वी वॉज ऑन दिस क्वेश्चन। बच्चे तेरी इस बुक में जो सम है तो मुझे बता देना, आई विल सॉल्व दैट फॉर श्योर। आई विल सॉल्व दैट।
लेट स्टार्ट आवर क्लास। Now I'm breathing fine. बच्चे ये क्वेश्चन में डाउट आ रहा था ना कल, नहीं हाइट्स वाला था ये क्वेश्चन, हाइट्स वाले क्वेश्चन में। शिवम इज दैट क्लियर विद यू? शिवम इज दैट क्लियर विद यू और नॉट? नोप, ये क्लियर नहीं है किसी को भी, क्लियर नहीं है। मैं करवाने लगी हूँ, तभी मैंने आज ये चैप्टर को एक दिन और दिया कि करवा दू, डाउट्स क्लियर कर लू। ठीक है, लेट स्टार्ट बच्चे। नोट मेरी तरफ से ओपन आ रही है, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं। I don't know. Sometimes the software really confuses. Means what spam, बच्चे? Actually, I'm also not the host today. मुझे presenter का आ रहा है, पता नहीं क्या है। प्रेजेंटर्स होस्ट नहीं आ रहा, आगे होस्ट आता है। आई डोंट नो, वेट लेट मी डू। सुबह भी ऐसे था, पता नहीं देन मुझे। सर से कॉल करके पूछू? शैल आई कॉल द सर एंड आस्क? बच्चे देयर इज ग्रुप ऑफ फाइव गर्ल्स, उनके हाइट और एजेस का हिसाब, उनके हाइट और एजेस का हिसाब ले जाना है। हम एक हाइट्स का टेबल बना लेते हैं और एक एजेस का। ठीक है,
पूजा कामिनी इज सेकेंड इन हाइट, कामिनी जो है वो सेकेंड इन हाइट है बट यंगर देन रीना, रीना से एज में छोटी है। पूजा इज टॉलर देन मोनिका, पूजा इज टॉलर देन मोनिका। नीलम इज एंड बट यंगर इन एज, बट पूजा की एज मोनिका की एज से कम है। ठीक है, रीना और मोनिका की एज हो गई सेम, रीना और मोनिका की एज क्या है सेम। ठीक है, रीना और मोनिका, नीलम इज टॉलर देन पूजा, अब नीलम जो है वो पूजा से बड़ी है, पूजा मोनिका से बड़ी है, नीलम उससे बड़ी है। ठीक है, और जो कामिनी है उसकी एज सबसे छोटी है, मीन एज में सबसे छोटी है कामिनी, कामिनी ने कहीं पे पंगा नहीं डाला। नीलम इज टॉलर देन पूजा एंड एल्डर टू रीना, और रीना से बड़ी एंड एल्डर टू रीना। ठीक है, इतना समझ लगी, अब मैंने सारे पॉइंट्स लिख लिए। अब मेन है कामिनी सेकंड है, पूजा मोनिका और नीलम में से नीलम सबसे बड़ी है, फिर पूजा है, फिर मोनिका है। ठीक है, ऐसा ही है ना, मीन्स ये तीनों एक सीक्वेंस में आएंगी, ये तीनों एक सीक्वेंस में आएंगी। ठीक है ना, ये तीनों का एक सीक्वेंस है, नीलम पूजा एंड मोनिका, इससे बड़ी पूजा से बड़ी नीलम है, और मोनिका और पूजा से मोनिका से बड़ी पूजा, इन तीनों को आना है एक साथ, क्योंकि इनकी एज उन्होंने बोल दी ये उससे बड़ी है, ये उससे बड़ी है। ठीक है ना, और तो मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीलम पूजा मोनिका, बच्ची कौन रीना, वो आ जाएगी यहाँ पे। अब हुआ क्लियर, शिवम, शना, कांशा, आरती, अब हुआ क्लियर, गॉट इट। आज चैट में भी चेंजेस हैं, चैट भी अपनी काफी हाइलाइटेड और बोल्ड सी आ रही है। ठीक है, अब एजिस का तो कल हो गया था, या आज फिर से करवाऊं? एजिस का तो हो गया था, या फिर आज फिर से करवाऊं? फिर से, मुझे पता था तू बोलेगा फिर से। कौन, अब रीना और मोनिका की एज बड़ी है, पूजा की एज मोनिका से छोटी है, मीन यहाँ पे आ जाएगी पूजा। पूजा की एज मोनिका से छोटी है, और रीना से भी, रीना और मोनिका की एज बराबर है, क्यों कामिनी की रीना से कम है, कामिनी की रीना से कम है, तो मीन यहाँ पे आएगी। ठीक है, कामिनी यंगेस्ट नहीं है, फिर कामिनी यंगेस्ट नहीं है, मीन्स कामिनी तो यहाँ पे आ जाएगी, फिर पूजा आएगी, क्योंकि रीना की एज कामिनी से भी बड़ी है और पूजा से भी बड़ी है, लेकिन कामिनी की एज छोटी नहीं, कामिनी यंगेस्ट नहीं हो सकती, तो मीन्स कामिनी सेकंड लास्ट में आ जाएगी। और सबसे बच्ची कौन, रीना मोनिका कामिनी पूजा, कौन बच गई, नीलम, और नीलम जो है यहाँ पे आ जाए। ठीक है ना, समझ लग गई, तूने क्यों नहीं लगाई थी क्लास कल, बच्चे लगी समझ या नहीं? अब आ रहा है, समवन इज टाइपिंग आ गया था क्लास में,
सीक्वेंस मैंने उल्टा लिख दिया, अपनी तरफ से मैं वो लिख रही हूं, ऐसे लिखना था, साइन उल्टे डाल दिए। समझ लग गई? एनी डाउट? आज रेज हैंड भी नहीं आ रहा, आगे रेज हैंड का साइन आता है, कुछ सॉफ्टवेयर में चेंजेस हुए हैं। हमने मीटिंग ही क्रिएट की है, मीन ऑनलाइन क्लास ही अरेंज की है। पता नहीं क्या है क्या नहीं। अब समझ लग गई है? नेक्स्ट अब इसके आंसर्स आप देख लो, एक बार एसएस ले लो, यू कैन टेक योर एसएस। तू शिवम सेठी, तेरे को क्या करना है, क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट चाहिए सॉल्यूशन के। आप लोगों से ये शॉर्टकट सीखी है, नेक्स्ट करें। ये बात करोगे, दिस विल बी डन बाय यू। आई विल गिव यू 2 to 3 minutes, 2 to 3 minutes आर गिवन टू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
हुआ और आर यू डूइंग दिस? यू हैव टू टेल मी द आंसर्स. डूइंग. आज के जब नेक्स्ट आपने 2-3 क्वेश्चंस कर लिए ना, तो आपके पजल्स क्लियर है. आई डोंट नो व्हाट आर द चेंजेस मेरे को शो हो रहे हैं. आगे मेरे को आता था दिस इज टाइपिंग, अब मेरे को आता है समवन इज टाइपिंग. मींस कुछ अपडेशंस हुई हैं, कुछ सेटिंग्स की गई हैं. आई डोंट नो. कभी ऐसा ना हम वीडियो कॉल पे आ जाएं सारे एकदम से. चले तो सारे वीडियो कॉल पे, तो पता चलेगा कौन पढ़ता है कौन नहीं. चलो पढ़ो. व्हाट? हु टोल्ड यू रदर? किसने बोला जूम ऐप पे आने वाले हैं हम? चलो चलो पढ़ो पढ़ो जल्दी क्वेश्चंस करो. बातें बाद में करना, कंसंट्रेट ऑन योर क्वेश्चन. ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं कर रहा हूं. डन. वेरी गुड शना, यू कंसेंट्रेटेड ऑन क्वेश्चन ओनली. तेरा कोई मैसेज नहीं आया शायद इन बिटवीन. What earning? I will show the solution, Shana. Let me check कि किन्होंने कर लिया. I think so. You are right. Which of the following pair has a system specialization? System specialization में कौन कौन है? तेरा तो DF. Now it's time to show the solution. You can check yourself. आप tabular form में लिखते हो या कैसे, ही मुझे नहीं पता.
आई थिंक जो मुझे इसके बाद दस वी हैव डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इनकम एम डब्ल्यू बी एफ डी के एच वेरी गुड पी मार्केटिंग एंड फाइनेंस में है पी मार्केटिंग एंड फाइनेंस वेरी गुड बी पास इन ऑपरेशंस वेरी गुड डब्ल्यू पास इन पर्सोनल एच पास विद पर्सोनल वेरी गुड के पास विद मार्केटिंग वेरी गुड आपको पजल्स आ गए हैं यू कैन चेक शना आंसर आर राइट शना यू आर सॉल्विंग पजल्स फॉर फर्स्ट टाइम और हैव यू डन इट बिफोर वेरी गुड शना आंसर आर राइट किस चीज का मेंस का पेपर है ओके तूने मेंस किया तो पहला कल क्लियर कर लिया होगा प्रीलिम्स वेरी गुड शना मीन्स यू आर ओनली वन स्टेप अवे फ्रॉम योर गोल यू आर डूइंग जॉब Yes. Very good. तो मीन्स देखो ये सब आता है शिवम तेरा आंसर नहीं आया ज्योतिका तेरा आंसर नहीं आ रहा आज क्या बात है ज्योतिका आंसर नहीं दे रही बच्चे समझ नहीं लगी बच्चे आंसर्स बाद में कर लेना एक और क्वेश्चन करना है आप सबने यू वॉन्ट टू डू वन मोर क्वेश्चन या मैं करवाऊं अब डू दिस क्या करवाऊं हेमंत पिछला क्वेश्चन करवाऊं पिछला क्वेश्चन समझा दूं कई बच्चों का नहीं हुआ होगा कईयों का हो गया होगा ये सबका हो गया एवरीवन डन विद इट या किसी को कोई डाउट है सबका हो गया या किसी को कोई डाउट है एनीवन बच्चे जिसका नहीं हुआ वो मेरे को बता सकता है ओके डन तो फिर ये करो
ये करो। बच्चे मुस्कान तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख ली। नो, तेरा गलत है आंसर। सेवनटीन। बच्चे नहीं है, मैं करवाती हूँ। देखो बच्चे, ये सेंड नहीं हो पा रही। मैंने कभी बोला था स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड डी हैव टू बी टुगेदर। ए के साथ डी ने आना ही आना है। ए के साथ डी ने आना है ना। सी के साथ एस कभी नहीं आएगा, ठीक है। एस और टी ने एक साथ ही आना है, ठीक है ना। एस और टी ने एक साथ ही आना है। डी के साथ पी नहीं आएगा, डी के साथ पी नहीं आएगा। बी के साथ आर आएगा ही आएगा, बी के साथ आर आएगा ही आएगा। सी और क्यू को भी एक साथ ही आना है, सी और क्यू को भी एक साथ ही आना है, ठीक है ना। डी अगर हम ले लिए, एस टी तो आ ही नहीं सकते, एस टी तो आ ही नहीं सकते ना, क्योंकि इन्होंने एक साथ आना। हमने एक गलती, एस टी तो निकाल दो, एस टी आ ही नहीं सकते क्योंकि हमने एक ही गर्ल्स सेलेक्ट करनी है। तो मी सी आ गया। अब सी के साथ क्यू आएगी आएगी, अभी देखते हैं सी आएगा भी या नहीं। अब सी के साथ क्यू भी आएगी, ठीक है, और डी और पी नहीं आ सकते। डी और पी नहीं आ सकते मीन्स पी क्यू एस टी, पी एस टी चले गए, ये आ नहीं सकते। अब आर, आर बी के साथ आर को आना ही आना है,
बी के साथ अगर आर को आना ही आना है, ठीक है ना, हम कौन सा बॉय छोड़ेंगे? सी और क्यू को एक साथ आना है, और सी और क्यू को एक साथ आना है ना, सी और क्यू को एक साथ आना, और सी किसके साथ नहीं आ सकता ना? हम मीन अगर सी को ना ले तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सी को ना ले तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट बच्चे अगर बी के साथ आर को आना है तो सी के साथ क्यू, बी के साथ आर, बी के साथ पी नहीं आएगा, ए और डी आ गए, पी एस टी नहीं आ सकते क्योंकि दो गर्ल्स होगी, और सी एस के साथ नहीं आ सकता, मीन्स सी आएगा ही आएगा, अगर अब सी है तो क्यू आएगा ही आएगा। बच्चे क्वेश्चन बता क्या है आपको ना, पांच बॉयज दिए हैं, छह बॉयज दिए हैं और पांच गर्ल्स दी है, तो आपको टीम बनानी है, उसमें ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। अगर उन्होंने बोला कि हमने फाइव टीम्स ले ली है तो कौन सी अकेली गर्ल आ सकती है? पी एस टी नहीं आ सकते बच्चे, क्यू और आर। अब बी और आर को एक साथ होना है, ठीक है ना, बी और आर को एक साथ होना है, मीन्स फिर तो हमें बी लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना, बी के साथ मुझे लगता ए डी सी, और अगर ई एफ ले रहे हैं, ई एफ के साथ भी कोई कंडीशन नहीं है, हम ले सकते हैं गर्ल्स की, लेकिन सी के साथ एस नहीं आएगी। अगर हम सी ले लेंगे तो हम एस एस नहीं ले सकते, एस और टी, तो इसलिए हम सी लेंगे, तो सी के साथ किसको आना ही आना है, क्यू को, तो हम क्यू आंसर ले लेंगे। समझ लगी? बी हम नहीं ले रहे, बी हम नहीं ले रहे क्योंकि हम सी ले रहे हैं, अब नेक्स्ट करें। सी के साथ क्यू आएगा तो हम लेंगे क्योंकि सी के साथ, तभी तो हमने एस कैंसिल किया है, एस तभी तो कैंसिल किया है क्योंकि एस और टी को आना है तो सी तो आएगा ही ना, तो वो दूसरी टीम में नहीं जाएगा, तभी तो क्यू इज द आंसर। ए और डी बोथ आर बॉयज, ए और डी बोथ आर बॉयज, ए डी सी क्यू ई एफ। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ हेमंत, फिर क्लियर होगा। इफ इंक्लूडिंग पी, इफ पी के साथ इंक्लूड करके थ्री गर्ल्स मेंबर है, अब हम कंडीशंस ऊपर लिखी दे, ए और डी के साथ होगा, सी के साथ एस को नहीं आना, एस और डी को एक साथ आना है, डी ने पी के साथ नहीं जाना है, बी एंड आर को एक साथ आना, सी एंड यू को।
नेक्स्ट समझते हैं, फिर देखते हैं अगला भी आ जाए, पिछला भी आ जाएगा समझ, ध्यान से देखना। यस, अब पी है, ठीक है ना, पी तो है ही है। अब हम देखते हैं ए बी सी डी ई एफ पी क्यू आर एस टी। अब हमारे पास पी है, पी के साथ डी नहीं जाता, पी के साथ डी नहीं जाता और डी के साथ ए नहीं जाता, मीन ये दोनों तो हो गए कैंसल, ये तो आएंगे नहीं, ठीक है ना। ई एफ की कोई कंडीशन नहीं है, ये है ही कंफ्यूजन वाले। सी के साथ क्यू और बी के साथ आर, अगर बी लेंगे तो आर लेंगे लेंगे और सी के साथ, और एस और टी ने एक साथ आना है, अगर हम एस और टी एक साथ ले लेंगे तो सी नहीं आ सकता, ठीक है ना, पर अगर हम एस और टी एक साथ ले लिया, डी कैनॉट गो विथ पी, बी कैनॉट बी टीम्ड अप विद ई, बी कैनॉट बी टीम्ड अप विद ई, अब बी और ई एक साथ नहीं आ सकते, अब बी और ई एक साथ नहीं आ सकते, अगर हम बी को ले लें तो ई कैंसिल, क्योंकि हमने तीन गर्ल्स भी तो लेनी है, बी को ले लिया तो यहाँ पे आर भी आ गया, ठीक है ना, और सी के साथ आ जाएगा क्यू, सी के साथ आ जाएगा क्यू, तो बचा एफ, वो तो आ भी जाएगा, समझ लग गई। अब हम देखें हमने सही किया या गलत। यस, आंसर हमारा सही आया है। सी के साथ चार बॉयज लेने हैं, सी के साथ फिर से चार बॉयज लेने हैं, करके देखते हैं। सी के साथ राइट, सी के साथ चार बॉयज लेने हैं, मीन्स दो गर्ल्स जाएंगी एक एस चलेगी, एस तो आएगी नहीं, और एस और टी को भी एक साथ आना है तो वो भी नहीं आएगी, एस और टी को भी एक साथ आना है तो वो भी नहीं आएगी, और सी के साथ क्यू आएगी आएगी, मींस क्यू का तो पक्का है कि वो आएगी, ठीक है, सी और क्यू एक साथ, और बी ई के साथ पेयर नहीं हो सकता, और अगर बी आएगा तो आर आएगी आएगी, ठीक है ना, पी डी के साथ पी नहीं हो सकता और ए और डी को एक साथ आना है, ठीक है ना, मीन हम बी को भी कैंसिल कर दें क्योंकि हमने बॉयज की मेजोरिटी ज्यादा लेनी है, क्यू और आर आ रही है गर्ल्स, ठीक है ना, क्यू आर सी तो हो गए फाइनल, अब क्यू के साथ सी तो आएगा ही आएगा ना, सी के साथ क्यू वो तो हो गया, अब आर के साथ बी भी आएगा, आर के साथ बी भी आएगा, अगर बी आ गया तो ई ही आएगा, और अगर हमने दो लेने हैं ए एंड डी,
व्हाट शना, व्हाट डू यू वांट टू से? तो यहाँ पे साथ में क्यू आर सी बी ए और डी आ जाएंगे, और यस बी इज द आंसर। शना आप क्या कहना चाहते हो? तो तभी तो चार बॉयज लेने, मीन्स तीन बॉयज और सिलेक्ट करने हैं। तो सी तो आगे, अदर देन सी लेना है मेंबर्स। सी के अलावा कौन से मेंबर्स होंगे? ओके ओके यस, ए फोर मेंबर्स इंक्लूडिंग ई हैव टू बी बॉयज, देन द मेंबर्स अदर देन ई आर। अब तो ये आप खुद कर सकते हो ना या नहीं? करो, कैसे सुमन कैसे किया? ई के साथ बॉयज है, ई कैन नॉट बी पेयर्ड अप विद बी, बी चला गया, तो चार बॉयज कौन से आ गए? पांच, ए सी डी एफ है ना, ए और डी तो एक साथ जाएंगे। यस वेरी गुड। अब ई के साथ बी नहीं जाना, ई के साथ डी नहीं जाना, नहीं ई के साथ बी नहीं जाना, तो पहली ऑप्शन तो कैंसिल, तीसरी भी कैंसिल, और डी में सिर्फ एक ही गर्ल है, तो फिर कौन सा बचा? बी। वेरी गुड सुमन, दिस इज फॉर यू। नेक्स्ट करो, हाउ शिवम, how you did it? yes, लेकिन ये ऑप्शन तो सी में भी है,
बी के साथ आर और एस के साथ टी, ये तो सी में भी है। एफ और पी का तो रिलेशन दिया ही नहीं हुआ, एफ और पी का कहाँ रिलेशन दिया हुआ है? आई नॉट रिटन इट। का तो कोई दिया ही नहीं हुआ, एफ और पी का कहाँ दिया हुआ है? यस, एफ इंडिपेंडेंट है, उस पर कोई कंडीशन ही है तो हम ले सकते हैं। वेरी गुड। और डी किसी में आया भी नहीं है। सबको क्लियर हो गया? मीन्स हम दूसरी वे से भी सोच सकते हैं। अब ये देखो, फर्स्ट कंडीशन में बी के साथ आर आना चाहिए है, सी के साथ क्यू आना चाहिए है, ठीक है ना? बी के साथ आर है, सी के साथ क्यू है, ठीक है, लेकिन पी एंड आर के साथ फिर बी। फर्स्ट ऑप्शन क्यों गलत है? व्हाई फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट राइट? क्या देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं सही हो सकती? व्हाई फर्स्ट ऑप्शन कांट बी राइट? बी के साथ आर हो, ठीक है, हो गया, सी के साथ क्यू हो, बट सी कांट गो विद एस, सी कांट गो विद एस, इसलिए ये गलत हो गया। अब हम सी देखें, बी सी क्यू आर एस टी, इसमें भी सी कांट गो विद एस, तो ये गलत। अब बची डी, डी का देखें, लेट मी एक्सप्लेन टू एवरीवन ना, बी सी P Q R T, C आएगा तो Q आएगा ही आएगा, B आएगा तो R आएगा ही आएगा, ठीक है ना? S एंड T हैव टू बी टुगेदर, तो इसमें ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं हुई। S एंड T हैव टू बी टुगेदर, तो वो भी नहीं हुई। तो फिफ्थ का आंसर क्या बचा? B। समझ लग गई? दिस इज द अनदर वे ऑफ अप्रोचिंग द क्वेश्चन, कि आप ऑप्शन से देखो ऐसे के क्वेश्चन, जब कंडीशंस के साथ क्वेश्चन दिए हो तो आप ऑप्शंस में देखो कि कौन सी ऑप्शन सुटेबल नहीं है। अब हम फर्स्ट को भी ऐसे ही देखें, या हो गया ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग 1 वीक ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर, उसने 5 इंटरव्यूज फॉर अ न्यू जॉब दी, 1 इंटरव्यू पर डे मंडे थ्रू फ्राइडे,
ये क्वेश्चन करो, ड्यूरिंग 1 वीक मीन मंडे टू संडे, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। ओके, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। अ ह्यूमन रिसोर्स ने इंटरव्यू ली है मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे थ्रू फ्राइडे, मंडे थ्रू फ्राइडे नॉट टू। मीन्स देर आर 6 कैंडिडेट फॉर द जॉब, राजन था, सचिन और तरुण, तरुण आशा वन्या एंड कुणाल, ठीक है ना। नो मोर देन 2 कैंडिडेट्स आर इंटरव्यू मोर देन वंस। सचिन की भी दोबारा से नहीं हुई, आशा की भी नहीं हुई, नीदर सचिन नॉर आशा नॉर वन्या। मीन्स इन तीनों में से 2 की इंटरव्यू दोबारा से हुई है, ठीक है। द शेड्यूल ऑफ द इफ तरुण इज इंटरव्यू, अगर तरुण इंटरव्यू हुआ है तो उसकी मंडे और फ्राइडे दोनों को हो, तरुण की मंडे और फ्राइडे दोनों को जाएगी, तरुण इज इंटरव्यूड, ठीक है ना। इफ सचिन इज इंटरव्यूड देन आशा इज ऑल्सो इंटरव्यूड, विद सचिन इंटरव्यूज आशा, सचिन के साथ साथ आशा भी हुई है और ये कंसेक्यूटिवली हुए हैं, सचिन और आशा। सचिन इज इंटरव्यूड बिफोर देन आशा। इफ राजन इज इंटरव्यूड ट्वाइस, राजन अगर राजन की 1 दिन हुई है तो उसकी दूसरे दिन फिर से हुई है, वन्या इज इंटरव्यूड, कुणाल इज इंटरव्यू ट्वाइस। बच्चे आर यू लिसनिंग, हो रहा है आप लोगों से, आर यू डूइंग इट। कौन कौन सी, कौन कौन कर रहा है, इसे भी इसके क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा। मींस ये भी ऑप्शन से होगा बच्चे, इसको ऐसे कुछ नहीं होगा, ये ऑप्शन से होगा, राइट। हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे ये आंसर ऐसे नहीं होंगे, ये क्वेश्चन से होंगे, कुछ डाटा हम इंटरप्रिटेट नहीं कर सकते, वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेट करते हैं। लाइक अब मैं आपको ये समझाती हूँ, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना, सेकंड वाला मैं आपको फर्स्ट समझाने लगी हूँ।
इफ वन्या इज इंटरव्यूड ऑन ट्यूजडे देन विच ऑफ द फॉलोइंग तरुण इज इंटरव्यूड ऑन फ्राइडे आशा जी अब ये देखो अगर वन्या इंटरव्यू हुई है ट्यूजडे को देन बाय फोर्थ कुणाल की इंटरव्यू उससे पहले हुई होगी मंडे को कुणाल की इंटरव्यू मंडे को ही होगी और उसकी बाकी थ्री डेज में कहीं ना कहीं इंटरव्यू हुई होगी मींस दो और इंटरव्यूज हो सकते हैं हफ्ते में दो और हो सकती है तो अगर आशा अगर सचिन होगा तो आशा भी होगी और आशा होगी तो राजन भी होगा इसका मतलब सचिन इंटरव्यू नहीं होगा इसका मतलब सचिन इंटरव्यू नहीं हो सकता समझ लगी इफ वन्या इज इंटरव्यूड ऑन ट्यूजडे वन्या की ट्यूजडे को इंटरव्यू हो रही है तो कुणाल फर्स्ट इंटरव्यू हो चुका है मंडे को यहाँ पे लिखा हो ना वन्या इज इंटरव्यूड तो कुणाल कुणाल ट्वाइस बार होता है सचिन नहीं होगा इंटरव्यू समझ लग गई दिस इज ट्रू इफ कुणाल इज नॉट इंटरव्यूड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मस्ट बी ट्रू बच्चे हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सेट करेंगे शना ये क्वेश्चन से होगा ऑप्शन से होगा क्वेश्चन इसका कोई सेट टेबल नहीं बनेगा ठीक है ना ये क्वेश्चन से होगा टेबल इफ कुणाल इज नॉट इंटरव्यूड मीन्स अगर कुणाल इंटरव्यूड नहीं हो रहा देन वन्या भी इंटरव्यू नहीं हो रही अगर वन्या इंटरव्यू नहीं हो रही तो तरुण की दो बार हो सकती है तो राज तरुण की होगी मंडे फ्राइडे राजन की होगी ट्यूसडे फ्राइडे और आशा की एक बार हो जाएगी वेडनेसडे को ठीक है ना तो उसके उसमें भी दो दिन का गैप आना चाहिए बोला था ना उसमें उसमें दो दिन का गैप आना चाहिए मंडे फ्राइडे वो हो गया ट्यूजडे थर्सडे तो आशा जो है वो वेडनेसडे को इंटरव्यू हो सकती है क्योंकि कुणाल नहीं हो रहा तो वन्या नहीं हो रही क्योंकि कुणाल की सेकेंड इंटरव्यू से पहले वन्या होती है और वन्या होती है तो सचिन होता ही होता है ठीक है ना देन द आंसर इज आशा इज इंटरव्यूड ऑन वेडनेसडे बच्चे ये क्वेश्चन ऐसे समझाने बहुत मुश्किल है वर्चुअल क्लास में इट्स वेरी डिफिकल्ट आई नो आदो को नहीं समझ लग रही है समझाने भी बहुत मुश्किल है मींस फेस टू फेस हर किसी की सेपरेट प्रॉब्लम समझानी और बात होती है लेकिन वैसे समझाने और बात होती है मींस मैं बोल रही हूं आप पता नहीं किस हिसाब के सुन रहे हैं तो पता ही नहीं चल रहा मींस इट्स वेरी डिफिकल्ट इफ सचिन इज इंटरव्यूड देन विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू अगर सचिन इंटरव्यू हो रहा है तो आशा भी इंटरव्यू हो रही है इफ सचिन इज इंटरव्यूड तो आशा भी इंटरव्यूड हो रही है कितने जाने आओगे मेरे घर मुझसे ये ना आई विल सेंड यू द सोल्यूशन ऑफ दिस एक्चुअली मेकिंग दिस अंडरस्टैंड ये क्वेश्चन नहीं हो सकता ऑनलाइन में ये क्वेश्चन नहीं हो सकता इसके लिए पूरा एक दो घंटे चाहिए आपको समझाने के लिए
ये सारे टाइप हो गए, ये एक ही टाइप रह गई है। कल ये टाइप करके ना, हम कल ये वाली टाइप करके ये समझाऊंगी जरूर मैं आपको। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है ना, मीन आई हैव वर्कड ऑन इट, मैं समझाऊंगी जरूर। अब मैं इसे समझाने का तरीका ढूंढूंगी, ठीक है ना। यू हैव टू वर्क फॉर 10 to 20 minutes मोर ऑन दिस, कि हाउ टू मेक यू अंडरस्टैंड, कि आपके सामने एक चीज लिखूं और ये हो जाए। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ना ना ना, मेरे घर में बेचारे इतनी दूर दूर से बच्चे एक क्वेश्चन समझने मेरे घर आएंगे, एक दो दिन लगाकर। मैं खुद ही, मैं जलंधर, आई लिव इन जलंधर। बच्चे आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते, देखते हैं जब ऑफलाइन होता है क्या होता है, ठीक है ना। सी द सिचुएशन एट दैट टाइम, विल सी टू द सिचुएशंस। मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत आती है क्योंकि मेरा सब्जेक्ट बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। मुझे पता है आधे बच्चों को मैं सेटिस्फाइड नहीं कर पाती, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसे ऑनलाइन में सेटिस्फाई करना बहुत ही मुश्किल है। मुझे नहीं लगता सभी, पता नहीं मैथ से आप लोग क्यों डरते हो। चलो फिर कल ये क्वेश्चन करके नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। सुमन, तुझे मेरा समझाया समझ आता है? व्हाट बैकपैक के साथ शेना, व्हाट यू वांट टू से? ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों ने बैकपैक कर ली है। बच्चे ये सिचुएशन भी ऐसी हैं, द सिचुएशन इज लाइक दिस ओनली, कोई भी कुछ नहीं कर सकता इसमें। कल हम कुछ इंटरेस्टिंग पजल्स भी करेंगे। टुमारो वी विल डू सम इज कलम कुछ इंटरेस्टिंग पजल्स भी करेंगे। ओके, चलो ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, यू आर वेलकम।